के लिए लेकर आई हूँ। आज जो हम बनाएंगे ये जापानी फल, देखें कैसे प्यारे प्यारे से फल होते हैं ये, जिसे जापानी फल कहा जाता है, अमलोक भी कहा जाता है। इसका हम जूस बनाएंगे और इसके फायदे पर जो है बात करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत हेल्दी और बहुत ही सेहत बख्श और जायकेदार फल है। अगर आप इसे मैदे का डॉक्टर कहें तो गलत ना होगा, ये जो है हमारे मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। तो चले हम करते हैं इसका जूस बनाना स्टार्ट। सबसे पहले जो हम इसका ये कैप है ये उतार देंगे और इसे इसी तरह पीसीज में कट कर लेंगे। हम इसको जो है छिलको समेत ही इसका जो है जूस बनाएंगे। मैं 3 जो है इस साइज के अमलोक यूज कर रही हूँ। अब इसमें मैं जो है 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इसमें आप अगर चाहें तो चीनी और शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, जोड़ों का दर्द है, जैसे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, हमारी जो आते होती है उनमें सूजन आ जाती है, मैदे की तेजाबियत, और ये आजमाई हुई बात है मेरी, ये वाकई इसमें बे इंतहा फायदा देता है। तो चलें बस इसको हमने ब्लेंड करना है, ब्लेंड करते हैं। जूस रेडी है, अब हम इसे ग्लासों में निकालेंगे। आप चाहे तो इसे पतला भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं इसे इसी तरह पसंद है। कितना जबरदस्त इसका कलर है और ये एक स्मूदी टाइप है जनाब। ठीक है जनाब, हमारा मज़ेदार एक्सपर्ट में से, क्योंकि एक्सपर्ट जूस जो है रेडी है, तो अब हम करते हैं इसको एंजॉय। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बना। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, लीजिए भाई मैंने तो अपना गिलास कर लिया ख़त्म, वो हस्बैंड करेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दम हर पल ज़्यादा से ज़्यादा दुरूदे पाक पढ़ें। लाखों करोड़ों दुरूदे सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। ओके, अल्लाह हाफिज़।